चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेबर वरायंसेस से रिलेटेड टॉपिक, राइट। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने मटेरियल वरायंस की बात किया हुआ है, सो हम लोग आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे आपके लेबर वरायंस से रिलेटेड। एंड काफी हद तक अब अगर आप लोगों ने मटेरियल वरायंस का कॉन्सेप्ट सीख रखा है ना, तो ये आपके लिए ऐसा होगा कि भाई उसका डुप्लीकेट है ये। अब आप लोगों को ज्यादा चीजें समझने के लिए और समझाने के लिए समय नहीं लगेगा, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को कॉस्ट वैरियंस क्या होता है, प्राइस वैरियंसेस क्या होते हैं, यूजेस वैरियंसेस क्या होते हैं, मिक्स वैरियंसेस क्या होते हैं, इल्ड वैरियंसेस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी समझा हुआ है। बट वो मटेरियल के कंटेक्स्ट में समझा हुआ है। सेम चीज को हम लोगों ने लेबर के कंटेक्स्ट में क्या करना है समझना है। तो आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए, क्या हेडिंग दोगे आप लोग? डायरेक्ट लेबर वैरियंस, ठीक है, डायरेक्ट लेबर वैरियंस। और डायरेक्ट लेबर वैरायंस में पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट वैरायंस की, ठीक है, कॉस्ट वैरायंस। और ये कौन सा कॉस्ट है? अच्छा, कॉस्ट वैरायंस आप लोगों ने स्टैंडर्ड अपना मटेरियल में भी सीख रखा है क्या? कैसे निकालते हैं? अगर मैं कॉस्ट वैरायंस की बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो बस यहां पर भी वही है। अब बस हम लोग लेबर टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट वैरायंस। मटेरियल वैरायंस पढ़ते तो क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। लेबर पढ़ रहे इसलिए क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट वैरायंस। फॉर्मूला तो वही है, क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बात आएंगी, सवाल उठेगा कि ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है। तो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, जैसे आप लोग वहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करते थे और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस करते थे, वही काम यहां करना है। लेकिन अब ये लेबर है तो लेबर क्वांटिटी में काम नहीं करते, लेबर्स काम करते हैं आवर्स में, लेबर्स कितने घंटे काम कर रहा है। तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। तो इसको शॉर्ट में एच लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड आवर। और अब ये प्राइस में, ये कोई मटेरियल थोड़ी ना जो प्राइस में डील करेगा, लेबर को वेजेस दिया जाता है, उसको हम रेट बोलते हैं, वेजेस रेट। तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये सेम ही है क्या मटेरियल जैसा है? वापस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करते, यहाँ स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट किया, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेंगे? तो ये निकलेगा लेबर ने कितने एक्चुअल आवर्स काम किया इनटू उसका एक्चुअल रेट क्या था, जो वेजेस उसको जिस रेट से दिया था। तो निकल गया आपका क्या? लेबर कॉस्ट वैरियंस। पूरा का पूरा ये आपको डुप्लीकेट लग रहा है मटेरियल कॉस्ट वैरियंस का ही, राइट। चलिए दूसरा, फिर हम लोग नेक्स्ट वैरियंस की बात करते हैं। लेबर कॉस्ट वैरियंस के बाद नेक्स्ट है, देख इसके बारे में क्वेश्चंस भी हम लोग गो थ्रू करेंगे, पहले फॉर्मूलेस कैसे निकलते हैं उन चीजों को समझ लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लिखिए आप लोग लेबर लेबर रेट वैरायंस, लेबर रेट। जैसे अपन मटेरियल प्राइस वैरायंस निकालते थे, तो यहां पर क्या निकाल रहे हैं? लेबर रेट वैरायंस। अब देखो यहां पर किसकी वजह से डिफरेंस आएगा? रेट की वजह से। जैसे वहां प्राइस की वजह से डिफरेंस आता था, यहां डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? रेट की वजह से। तो अब रेट का डिफरेंस लेना है आपने को, कौन से रेट का? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और जब हम मटेरियल पढ़ते थे तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे, क्या यहां पर भी किससे कर देंगे? एक्चुअल आवर्स। यानी समझ लो क्वांटिटी को किसने रिप्लेस कर लिया? आवर्स ने। और प्राइस को किसने रिप्लेस कर लिया? रेट ने। बाकी पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट सब सेम ही है। तो ये टॉपिक आपको अगर मटेरियल समझा हुआ है तो और भी ज्यादा आसान लगेगा। तीसरा, यूजेस वैरायंस पढ़ते थे कि हम लोग मटेरियल यूजेस, अब लेबर को तो यूज नहीं किया जा सकता, उसको कंज्यूम तो नहीं करते, उसकी एफिशिएंसी देखा जाता है, लेबर कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो यूजेस वैरायंस की जगह हम लोग एफिशिएंसी वैरायंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेबर लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी
वैरेंस कि लेबर कितने एफिशिएंटली काम करता है, कितने टाइम पर काम करता है, ठीक है, वो चीजें करेंगे। डन। तो अगली चीज क्या, लेबर एफिशिएंसी वैरेंसेस, लेबर एफिशिएंसी वैरेंसेस। अब जैसे एफिशिएंसी आप कितने इफेक्टिवली, कितने टाइम आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो, मतलब ये आवर के डिफरेंस के बेसिस पे निकलेगा, जैसे यूजेस क्वांटिटी के डिफरेंस से निकलता था। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए आपका, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट। ये क्या निकल गया जाएगा आपका, मटेरियल एफिशिएंसी वैरेंसेस। फिर जैसे आप लोग सॉरी लेबर एफिशिएंसी वैरेंसेस, फिर उसके बाद आप लोग चौथा मटेरियल मिक्स वैरेंस निकालते देखा। तब यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, लेबर मिक्स वैरेंसेस। क्या करना पड़ेगा, लेबर मिक्स वैरेंसेस। जैसे वहां पर अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ता था, तो यहां पर भी क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे यहां पर आप लोगों को, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा, जैसे पुराना टेक्निक था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वही सेम काम करेंगे, बट यहां क्वांटिटी की जगह क्या लेंगे, टोटल एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। बस क्वांटिटी की जगह किसने रिप्लेस कर दिया, आवर्स, और प्राइस को किसने रिप्लेस कर दिया, रेट, राइट। तो आप लोगों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो क्या आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके स्टैंडर्ड रेट से, जैसे वहां पर स्टैंडर्ड प्राइस से करते हैं, तो यहां पर किससे आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट, राइट। और ये रिवाइज्ड कैसे निकलता है, हमको रिवाइज निकालना पड़ता है। अच्छा, लेकिन याद रखना मिक्स वैरायंसेस दो कंडीशन में निकलती है, जैसे होता है ना जब इक्वल आ जाता था तो हम कुछ और करते थे, तो इसको लेकर मैं दो बातें निकाल रहा हूँ। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया आपका, लेबर मिक्स वैरायंसेस को लेकर मैं दो बात लिखवा रहा हूँ आपको। पहली बात लिखिएगा इसमें, फर्स्ट चीज इसमें लिखिएगा, इफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स, जब स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स आर सेम, अगर आपका स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स अगर सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पर आप लोगों का जो लेबर मिक्स वैरायंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड लेबर मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल लेबर मिक्स, राइट। यही सेम काम हम लोग मटेरियल मिक्स वैरायंस में भी करते थे क्या, ये कैसे निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये कैसे निकल जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, जैसे वहां एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स आर नॉट सेम, अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग ये रिवाइज्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलता है, तो जैसे हम लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे
सेम वही लॉजिक यूज करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये कैसे निकलेगा आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, तो टोटल एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, तो क्या निकल जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, राइट। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट लास्ट आप लोगों को जैसे इल्ड वेरिएंस निकालते थे, जैसे क्या निकालते थे इल्ड वेरिएंस निकालते थे, तो उसी तरीके से पांचवी और आखिरी चीज यहाँ क्या निकल जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस, क्या निकल जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस, जिसको हम लोग इल्ड वेरिएंस भी बोल सकते हैं। चलिए तब तक ये ऊपर के बाकी सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार, राइट। आइडियल टाइम वेरिएंस, तो जैसा हम लोग मटेरियल में वेरिएंसेस निकालते थे लेबर वेरिएंसेस, सॉरी लेबर बोलता हूँ आपका इल्ड वेरिएंसेस, मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस, तो इल्ड का मतलब क्या होता था, हमने कितना स्टैंडर्ड सोचा, एक्चुअल कितना कर लिया, कितना सोचा था प्रोडक्शन। वैसे ही जब हम लोग आइडियल टाइम वेरिएंस की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोगों ने कि एक्चुअली कितने आवर्स, मतलब कि जब हम लोगों को क्या निकालना है आइडियल टाइम रेशियो निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि हमने एक्चुअल कितने आवर्स के लिए पेड किया है। हम क्या निकालेंगे कितने एक्चुअल आवर्स के लिए हमने पेड किया है, जैसे एक्चुअल इल्ड होता था वैसे यहां पर एक्चुअल आवर्स, मतलब जितने आवर्स के लिए हम उनको एक्चुअली पेड कर रहे हैं, माइनस एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल एक्चुअल आवर्स वर्क, और कितने घंटे काम किया है। एक होता है एक्चुअल कितने घंटे का पेमेंट मिल रहा है, हमने कितने घंटे काम करने का पेमेंट किया है, और सामने ने कितने घंटे काम किया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमको क्या पता चलेगा, टाइम गैप पता चलेगा कि उसने जैसे सपोज करो सामने वाले ने काम कितने घंटे किया 100 घंटे, बट हमने उसको पेमेंट कितने घंटे का कर दिया 105 घंटे का पेमेंट कर दिया, और कौन से रेट से पेमेंट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट करेंगे, राइट। कौन से रेट से स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट करेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा आपका टाइम की वजह से ये जो समय था आवर्स था इस समय की वजह से कितना आइडियली डिफरेंस आया, आइडियली कितना पेमेंट कर दिया, कितना समय का करना था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं आपका आइडियल टाइम रेशियो बोलते हैं, सॉरी वेरिएंस। और अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या गिवन हो, आइडियल टाइम अगर गिवन हो एक्चुअल आवर्स, अगर क्या गिवन है एक्चुअल आवर्स ऑफ आइडियल टाइम, ऑफ आइडियल टाइम अगर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड कर देंगे आपके कैसे स्टैंडर्ड रेट से, अगर डायरेक्टली गिवन है तो क्या कर देंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया आपका आइडियल टाइम वेरिएंस, मतलब जो समय की वजह से एक गैप क्रिएट हुआ है, ये वो है आप लोगों का एक जो जो एक्चुअल और जो हम लोगों ने सोचा कि भाई जैसे 100 आवर्स काम किए लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितने इस आवर्स का किया 105, मतलब हमने 5 आवर्स का क्या किया उनको ज़्यादा का यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट किए। अगर यही बात उल्टा हो जाता कि हमने कम पेमेंट किया जबकि काम ज़्यादा करवाया, तो वो डिफरेंस पता चलता है कि आइडियली कितने आवर्स का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है या कितना कम पेमेंट किया है, ये टाइम की वजह से ये वेरिएंस क्रिएट हो रहा है कि हमने कितना ज्यादा समय का पेमेंट किया कितने कम समय का, इसलिए इसको कौन सा वेरिएंस बोलते हैं आइडियल टाइम वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक और वेरिएंस लिख लीजिए छठवा, लेबर इल्ड वेरिएंसेस, लेबर इल्ड वेरिएंसेस, लेबर इल्ड वेरिएंसेस। अच्छा जैसे हम लोग मटेरियल इल्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट निकालते थे, अब यहाँ भी अगर मैं स्टैंडर्ड रेट वर्ड यूज करूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट मतलब यहाँ पर किस चीज से स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं हम लोग, राइट। सो स्टैंडर्ड रेट ना बोलते उसको नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम लोग क्या निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगती है, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस निकालते थे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड रेट निकलता था।
वैसे यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है पर यूनिट के लिए, लेबर की कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। जैसे हम लोगों इल्ड, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड कितना समय लगना चाहिए था एक्चुअल के हिसाब से। तो हमको फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए था अगर एक्चुअल आवर्स के हिसाब से अगर काम होता तो, और क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और एक्चुअल आवर्स तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होंगे। तो ये छह चीजें हैं जो टोटल आप लोगों को क्या करनी है, लेबर वैरियंसेस के अंदर कैलकुलेट करनी है, राइट। ये ओवरऑल छह चीजें हैं जो आप लोगों ने कहाँ कैलकुलेट करनी है, लेबर वैरियंसेस के अंदर कैलकुलेट करनी है। चलिए तो चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और वन बाय वन हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। होप आप लोगों ने सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लिए हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस कैसे करने हैं उससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, राइट। सो आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर प्रीवियस मटेरियल तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे 9 तक के। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 से जो क्वेश्चन है आपको क्या बोलता है, फ्रॉम द डेटा पर्टेनिंग टू टू ग्रुप्स ऑफ वर्कमैन एंड देयर स्टैंडर्ड्स, आपको उनके स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल वर्किंग आवर्स और उसके रेट की जानकारी दी गई है। क्या क्या दिया आपको, स्टैंडर्ड आवर्स दिया है क्या, SH दिया हुआ है, ये रेट पर आवर है, मतलब ये स्टैंडर्ड रेट होगा क्या पर आवर, और मल्टीप्लाई करके हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है, और नीचे में ये एक्चुअल आवर्स है, ये क्या है एक्चुअल रेट, और ये क्या होगा एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट, राइट। ओके, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है क्या, और आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्ट ए की और एक्चुअल कॉस्ट ए की पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बी की पता है और एक्चुअल कॉस्ट भी बी की पता है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा क्या, फॉर्मूला क्या आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ए के लिए निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 50 जबकि एक्चुअल कॉस्ट भी कितनी है 50, मतलब वेरिएंस कितना आएगा 0। बी के लिए निकालने जाता हूँ, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 30 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी 60, तो आंसर कितना आएगा 30 अनफेवरेबल, क्या निकल गया आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, राइट। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है आपको, एफिशिएंसी मतलब ये आवर्स के डिफरेंस की वजह से आएगा, एफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी यानी यूनिट्स, यानी कि आवर्स कितना डिफरेंस हो रहा है उनका काम करने का टाइम की वजह से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट। चलो, तो ए के लिए निकाल दिया जाए पहले, तो ए का स्टैंडर्ड रेट कितना था 2 रुपए, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 25 घंटे और एक्चुअल आवर्स कितने हैं 20 घंटे, तो सॉल्व करने पर 10 फेवरेबल आता है क्या, 10 फेवरेबल आता है। और सेकंड बी के लिए अगर निकालू तो स्टैंडर्ड रेट 3 है 3 रुपए, और स्टैंडर्ड आप लोगों के आवर्स कितने दिए गए हैं 10, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 15, तो 10 माइनस 15 कितना होता है -5, और -5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा अनफेवरेबल, डन, और दोनों को नेट ऑफ कर देंगे तो 5 अनफेवरेबल, ये फाइनल नेट आंसर आपका। और लास्ट क्या बोला था, रेट वेरिएंसेस निकालना है क्या, लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट वेरिएंसेस रेट के डिफरेंस की वजह से आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, जैसे अपन वहाँ एक्चुअल क्वांटिटी से करते हैं इनटू क्या करना पड़ेगा एक्चुअल आवर्स, तो इसके लिए भी निकाल दूँ कहाँ जगह है ये, यहाँ निकाल रहा हूँ लेबर रेट वेरिएंसेस, फॉर्मूला क्या था इसका,
एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। चलो पहले ए के लिए निकाल देते हैं फिर बी के लिए निकाल देंगे। तो ए के लिए एक्चुअल आवर्स कितना दिया था 20 घंटे माइनस स्टैंडर्ड रेट कितना था 2 रुपए माइनस 2.5 रुपए तो 0.5 नेगेटिव आता है तो 10 एडवर्स आंसर आता है क्या मतलब कि अनफेवरेबल। और वैसे ही सेकेंड एक्चुअल आवर्स कितने 15 घंटे स्टैंडर्ड रेट कितना 3 एक्चुअल रेट 4 तो माइनस 15 मतलब 15 अनफेवरेबल आ जाता है क्या दोनों को जोड़ देंगे तो 25 अनफेवरेबल है राइट। अगर किसी को वेरिफिकेशन करना है तो लेबर कॉस्ट वैरियंस का वेरिफिकेशन भी हो सकता है। कैसे लेबर रेट वैरियंसेस प्लस लेबर एफिशिएंसी वैरियंसेस तो रेट वैरियंसेस कितना था आपका 5 अनफेवरेबल बराबर और ये 25 अनफेवरेबल दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल मिला के 30 अनफेवरेबल आता है क्या और ये 30 आया था। क्लियर है क्वेश्चन सिमिलर मटेरियल जैसा ही क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा आसान था क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़े ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको कुछ डाटा दिया है क्या कैलकुलेट करने बोले लेबर कॉस्ट वैरियंस लेबर एफिशिएंसी वैरियंस और लेबर रेट वैरियंस सेम चीज निकालने बोला है क्या। तो बस मैं आपको ये बेसिक चीजें बता दूं जैसे कि आप लोगों को स्टैंडर्ड आवर दिया है 20 घंटे फिर स्टैंडर्ड रेट दिया है मतलब आपको SR पता चल गया ठीक है। आपको एक्चुअल आउटपुट बता रहा है 1000 यूनिट्स बनाते हैं कितने 1000 यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स कितने लगते हैं 20,000 यानी कि जो 20,500 घंटे लगे ना ये पूरे 1000 यूनिट के लिए होंगे जबकि ये जो 20 घंटे लगे ये 1000 यूनिट के लिए ऑब्वियस नहीं हो सकते ये एक यूनिट के लिए होगा तो 1000 यूनिट के लिए कितना 20,000 तो यानी कि आप लोगों को स्टैंडर्ड आवर्स मिल गया स्टैंडर्ड रेट मिल गया एक्चुअल आवर्स मिल गया एक्चुअल रेट मिल गया क्या सब चीज निकाल सकते हो जो तीन चीज पूछा है निकल सकता है। यस बढ़ जाओ आगे ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा आप लोगों को अगर निकाल के ट्राई करना है तो क्विकली ज्यादा समय नहीं लगेगा एक काम करो क्विकली 2 से 3 मिनट लगेंगे हार्डली तीनों चीज निकालना है कॉस्ट वैरियंस लेबर एफिशिएंसी वैरियंस लेबर रेट वैरियंस जल्दी से निकाल दो एक काम करो वीडियो को पॉज करो और क्या करो पहले सॉल्व कर लो एंड देन जैसे सॉल्व होता है फिर अपना कंटिन्यूटी में वीडियो को चालू कर लो। चलिए सो आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आने चाहिए थे अगर बात करो इसके आंसर्स को लेकर तो जो आपका लेबर कॉस्ट वैरियंस है ठीक है लेबर कॉस्ट वैरियंस वो आपका आना चाहिए था 18,000 फेवरेबल। इसका फाइनल आंसर क्या था आपका 18,000 फेवरेबल। वैसे आप लोगों का अगला जो आप लोगों को लेबर एफिशिएंसी वैरियंस निकालना था यह आता आपका 2,500 अनफेवरेबल और अगर आप लेबर रेट वैरियंस निकालते तो यह आता 20,500 फेवरेबल। अगर टेस्टिंग करना है ये दोनों को नेट करेंगे तो बराबर आपको कॉस्ट वैरियंस मिल जाएगा राइट। सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को इफ अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ग्रॉस वेजेस बताया है आपको मतलब आपको डायरेक्ट वेजेस बता रहा है यानी कि लेबर को कितना पेमेंट दिया जाता है वो बता रहा है। डिपार्टमेंट ए में लेबर को 25,000 रुपए दिए जाते हैं और डिपार्टमेंट बी में 20,000 रुपए दिए जाते हैं जबकि स्टैंडर्ड आवर्स प्रोडक्शन कितना होता है मतलब आपको एस एच बताया है स्टैंडर्ड आवर्स का बताया है टोटल। अच्छा स्टैंडर्ड रेट भी बताया है एस आर भी बताया है और एक्चुअल आवर्स वर्क भी बताया मतलब ए एच बताया है। अगेन क्या मिसिंग है ए आर मिसिंग है क्या एक्चुअल रेट लेकिन निकल सकता है क्या कैसे निकालेंगे एक्चुअल रेट अपने को वेजेस पता है क्या और अपने को कितने घंटे काम होते वो भी पता है। तो अगर मैं डायरेक्ट जो टोटल जो ग्रॉस आपको दिया था वेजेस तो ग्रॉस वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कर दूंगा तो आवर रेट मिल जाएगा क्या अपने को एक्चुअल आवर रेट जैसे मैं 25,000 देता हूँ और कितने घंटे काम करवाता हूँ 8,500 एक्चुअल तो एक घंटे की कॉस्ट कितनी पड़ती है 2 रुपीज 94 पैसा और 20,000 रुपए देता हूँ और कितने घंटे काम करवाता हूँ 8,000 तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 2.5। तो आपको ए आर भी मिल गया ए एच भी मिल गया एस आर भी मिल गया
एसएच भी मिल गया, चारों चीज मिल गई क्या? तो अगर सिमिलर जो देखते क्या क्या निकालने बोला है। अच्छा ऊपर में बोला था यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ थ्री लेबर वेरिएंस। अरे थ्री जब भी बोलेगा तो समझने का कौन सा वेरिएंस निकालना है, कॉस्ट, एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, सिमिलर है, होमवर्क। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। कौन से क्वेश्चन पर आ गए आप लोग, सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 13 में भी आप लोगों को क्या स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ लेबर्स है, ये क्या है नंबर ऑफ लेबर्स, आवर्स नहीं बता रहा है। और ये क्या है वीकली वेजेस रेट पर आवर, हाँ इसको बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड रेट है, एक हफ्ते का स्टैंडर्ड रेट दिया है और ये एक्चुअल रेट दिया है, राइट। अच्छा चलिए पढ़ते क्या बोलता है। फॉलोइंग इज द डाटा परटेनिंग टू अ जॉब शेड्यूल टू कंप्लीट इन 30 वीक्स। टोटल कितने हफ्ते में काम चलेगा बता रहे, कितने हफ्ते तक काम चलेगा ये, कुल मिलाकर 30 हफ्तों तक ये काम चलने वाला है। कुल मिलाकर कितने हफ्तों तक काम चलेगा, 30। और ये जो डाटा दिया ये पर वीक का डाटा है, और टोटल काम कितने हफ्ते में कंप्लीट होगा। एक्चुअल टाइम टेकन, अच्छा यानी कि ये स्टैंडर्ड टाइम था आपका, कि स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए था, 30 हफ्तों का टाइम लगना चाहिए था, कितना 30 वीक्स स्टैंडर्ड लगने चाहिए थे, जबकि एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो गया, सो 45 वीक्स, राइट। एक्चुअल टाइम टेकन कितना गिवन है आपको, 45 वीक्स। कैलकुलेट द वेरियस लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। तो जो जो हम लोग अगर डाटा के हिसाब से निकाल सकते हैं वो चीज निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे वैसे देखा जाए तो यहाँ पर चार चीजें निकल सकती है, कौन कौन से, वो तीन तो निकल ही सकते हैं, और यहाँ मिक्स भी निकाल सकते हैं अगर निकालने चाहे तो, कौन सा भी वेरिएंस निकाल सकते हैं, लेबर मिक्स, यील्ड नहीं निकल सकता यहाँ। चलिए सो बढ़ेंगे आगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका जैसे सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले अपना टोटल कितने स्टैंडर्ड आवर्स काम हुए हैं और टोटल कितने एक्चुअल आवर्स काम हुए हैं, पहले आप डाटा को कन्वर्ट कर लो अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। आपको नंबर ऑफ लेबर बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेबर। अच्छा मैं डायरेक्टली यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, मेरे पास तीन कैटेगरी के लेबर है, मतलब समझ लो ए बी और सी, ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरी के मेरे पास क्या है, लेबर है, और सब जगह पर क्वांटिटी अलग अलग है, राइट। तो मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड, वैसे आवर्स के बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं किया है, करेक्ट, लेकिन क्या मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेंगी मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मुझे स्टैंडर्ड कितने वीक्स तक काम करना है, 30 वीक तक के, और अगर मैं ए कैटेगरी के लेबर के साथ काम करूं तो 80 लेबर होते हैं टोटल, 80 लेबर इंटू 30 वीक्स तक के काम चलेगा, तो 80 लेबर इंटू 30 वीक्स अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है आपके, मतलब टोटल मिला के 80 लेबर मुझे पर वीक अगर लग रहे हैं और टोटल 30 वीक्स है तो टोटल 2400 आना चाहिए। और स्टैंडर्ड रेट कितना है इसका, ये 2400 वीक हो गए टोटल, ये नंबर ऑफ लेबर इंटू ये 30 हफ्तों तक काम चलेगा बोलता है, तो नंबर ऑफ वीक से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 हफ्ते तक 2400 लेबरों को पेमेंट करना पड़ेगा, और पर लेबर को कितना पे कर रहे हैं अपन, 50 रुपये। तो पर लेबर की कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाइड कर दिए, मतलब कि आपका जो स्टैंडर्ड रेट है लेबर का, तो कितना आना चाहिए, 1,20,000। ये किसकी कॉस्ट आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट ए कैटेगरी वालों के लिए। अच्छा बी वालों के लिए निकालते हैं, टोटल 50 नंबर ऑफ वर्कर है, 30 हफ्ते तक काम होगा, मतलब 1500 हफ्तों का टोटल पेमेंट बनेगा, और एक जन का पेमेंट 40 का बनता है, तो फिर 40 × 1500 कितना आना चाहिए, 60,000। ये सब क्या निकल रही है आपकी, स्टैंडर्ड। फिर लास्ट 55 × 30 कितना जाएगा, 55 × 30 करेंगे तो 1650, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 60, तो कितना आ जाना चाहिए, 2,70,000। गलत है, 99,000। और इन सब की टोटल मार देंगे तो इन सब की टोटल कितने आ जाएंगे, 2,79,000। ओके ये क्या निकला, 2,79,000, ये टोटल मिला के स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या आपकी,
टोटल मिला के स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लग रही है? 2,79,000। जबकि टोटल अगर मैं हफ्तों की बात करूँ तो ये टोटल वीक्स को काउंट कर लो, जैसे अपन आवर्स को काउंट करते ना, या आवर्स नहीं, आवर्स की जगह टाइम कैसे दिया है, वीक्स में दिया है। जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा आवर्स में, टाइम हफ्तों में भी हो सकता है, टाइम मंथ में भी काउंट किया जाता है, टाइम डेज के हिसाब से भी काउंट किया जाता है। तो कितने वीक्स होते हैं टोटल? 5,550 हफ्ते। ये आपका स्टैंडर्ड वीक्स हो गया, XW स्टैंडर्ड वीक्स। अब स्टैंडर्ड आवर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि हफ्तों में डाटा दिया हुआ है। अच्छा, सेम चीज हमने जैसा स्टैंडर्ड के लिए निकाले, क्या एक्चुअल कॉस्ट भी निकल सकती है? हमारे पास तीन कैटेगरी है, क्या हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? तो आपको देखो क्या क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में आप लोगों को ये एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर दिए हुए थे, और एक्चुअल कितने वीक्स तक काम होता है? 45। और एक्चुअल आपको रेट बता रहा है क्या वेजेस का? तो कैसे निकल जाएगा ये एक्चुअल कॉस्ट? 75 नंबर ऑफ वर्कर है, 45 हफ्तों तक काम करेंगे, और हर हफ्ते के लिए ₹40 पे कर रहे हैं, 1,00,000। फिर उसके अलावा 40 लेबर है, 45 वीक काम कर रहा है, ₹45 पर कितना? 81,000। फिर उसके बाद 50 क्यों किया मैंने, 50 आएगा ना स्टैंडर्ड आपका, एक्चुअल रेट 50 है ना, कितना आता है? 1,35,000। चलो इसकी भी सेम टोटल मार लो, 3,00,000। और जिस तरीके से यहां पर हमने टोटल वीक्स निकाला था, यहां पर भी इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल वीक्स आ जाएंगे क्या हमारे? तो 75 × 45 कुछ आया होगा, 40 × 45 कुछ आया होगा, और फिर 60 × 45 कुछ आया होगा, सबको ऐड कर देंगे तो एक्चुअल वीक मिल जाएगा आपको 7,875। क्या पता चल गया आपको? एक्चुअल वीक्स। अब आप लोगों को एक्चुअल वीक्स भी पता है, एक्चुअल रेट भी पता है, स्टैंडर्ड वीक्स भी पता है, स्टैंडर्ड रेट भी पता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पता है, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट भी पता है। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, लेबर कॉस्ट पर एस निकल जाएगा क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट भी पता है। दूसरी चीज, लेबर एफिशिएंसी तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस निकालना, अगेन आप लोगों को एफिशिएंसी निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स भी पता है माइनस एक्चुअल आवर्स भी पता है इनटू स्टैंडर्ड रेट भी पता है, और सिमिलरली आप लेबर रेट वेरिएंस भी आप निकाल सकते हो। कैसे? स्टैंडर्ड आपका जो रेट दिया है वो माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, और ये सारा डाटा पता है क्या? स्टैंडर्ड रेट, आवर रेट, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, सब चीज पता है। ये जो आपने डाटा निकाले, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। ये जो 5,550 आया, ये स्टैंडर्ड वीक्स है और ये एक्चुअल वीक्स है। इंडिविजुअल ABC वाइज लेना है तो ABC, वैसे यहाँ पर ABC का ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स आ गया, और स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट गिवन है। तो कर हो जाएंगे अगला क्वेश्चन। पहले ये टेबल बनाया आपने, टेबल से सारी वैल्यूज निकाल दिया, स्टैंडर्ड आवर निकल गया, स्टैंडर्ड रेट निकल गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गया, बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या करना है, पुट डाउन करना है और आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को आगे का पूरा कैलकुलेशन करना है, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14? फॉलोइंग इज द लेबर बजट फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए। कितने यूनिट्स बनाने हैं टोटल? 1000 यूनिट्स बनाने हैं क्या? और उसके लिए बजट बता रहा है क्या, क्या क्या लगेगा? मतलब ये स्टैंडर्ड का डाटा दे रहा है क्या आपको? यहाँ पर किस चीज का डाटा?
स्टैंडर्ड, कितने वर्कर लगेंगे बोलता है 50 मैन, 40 वुमन और 20 बॉय, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तीन कैटेगरी में डाटा दिया हुआ है। ओके, 50 मैन लगेंगे और ₹6 पर आवर, पर आवर कितना लगेगा बोलता है 6, मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है क्या। और फॉर 70 आवर्स, और कितने घंटे काम करता बोलता है 70, एक वर्कर कितने घंटे काम करता है 70, तो 50 वर्कर कितने घंटे काम करेंगे 3500। तो ये आपको टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के दे दिया गया ए कैटेगरी वालों के लिए। वैसे 40 वुमन है, स्टैंडर्ड कितना है उनका 60 घंटे का, तो 40 वुमन इंटू 60 आवर, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ गए 2400। अरे ₹5 क्या है, स्टैंडर्ड रेट है। फिर उसके बाद 20 बॉय है और 30 आवर्स काम होता है, मतलब 600 घंटे, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड आवर्स, और मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकल जाएगा आपका, आपने स्टैंडर्ड आवर्स निकाला और स्टैंडर्ड रेट दिया है, तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगी क्या, ये ऑलरेडी निकाल के दिया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम बोलता है फॉलोइंग द एक्चुअल डेटा आर्टिकल प्रोड्यूस 1000। अब ये एक्चुअल डाटा दिया है कि एक्चुअल प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगा, सेम दे रहा है क्या, बस रेट में चेंजेस आ रहा है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है स्टैंडर्ड रेट में, नंबर ऑफ वर्कर में चेंजेस है, यहाँ 50 वुमन है, सॉरी 50 मेन है, 35 वुमन है और 30 बॉय है, और यहाँ पर आप लोगों का 70 आवर्स, 60 आवर्स, 30 आवर्स मल्टीप्लाई करके एक्चुअल आवर्स आ गए, राइट। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स दोनों भी टोटालिटी में क्या है, सेम है, दोनों भी टोटालिटी में यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो मिक्स वराइस निकलेगा दोनों सेम है, तो हम लोग कैसा निकालेंगे, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल मिक्स, राइट। चलिए बढ़ेंगे आगे फिलहाल में, क्योंकि वैल्यू सेम ही आएंगी ना अगर मैं करने में जाऊँगा तो। और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और सिमिलरली एक्चुअल कॉस्ट निकला, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। एक एक करके सबसे पहला कौन सा कॉस्ट निकालना था आप लोगों ने, कॉस्ट वरायंस, लेबर कॉस्ट वरायंस निकालना है क्या, चलिए एक बार देख लेते क्या क्या निकालने बोला है, लेबर कॉस्ट वरायंस, लेबर रेट वरायंस, लेबर एफिशिएंसी वरायंस, लेबर मिक्स वरायंस, इतनी चीज़ें निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम कौन सा वरायंस निकाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट वरायंस, कौन सा वरायंस निकाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट वरायंस, कैसे निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकली हुई है और क्या भी निकली हुई है, एक्चुअल कॉस्ट भी निकली हुई है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, 34,800 स्टैंडर्ड कॉस्ट है माइनस 35,100 एक्चुअल कॉस्ट है, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए आपका, ₹300 अनफेवरेबल। चलो पहली चीज हो गई। अच्छा अगर आपका दिल अगर ऐसे गवाह नहीं देता तो आप एक एक करके भी निकाल सकते थे, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, पहले ए के लिए अलग से निकालो, बी के लिए निकालो, सी के लिए निकालो, फिर सबको नेट ऑफ करते तो फाइनल आंसर 300 आता। आप ये भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अब क्योंकि ऑलरेडी उसने निकाल कर जब रेडीमेड थाली में इन्फॉर्मेशन परोस के दे ही दिया है तो क्यों इतनी मेहनत करूँ, है ना। अगर फिर भी किसी की इच्छा है मेहनत करने की तो कर लेना भाई, मैं कौन होता हूँ आपको मेहनत करने से रोकने वाला। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये करना पड़ता 3500, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इक्का करके बता रहा हूँ, 3500 इंटू 6 रुपये करते तो 21,000 आ जाता क्या, और सेम एक्चुअल में 3,500 इंटू 6 इसका भी 21,000 आता क्या, तो 21,000 इंटू माइनस 21,000 जीरो, वैसे दूसरे में कितना आता 1500 फेवरेबल, और दूसरे वाले में 1800 अनफेवरेबल, मतलब सी वाले में, तो नेट आंसर आपका 300 अनफेवरेबल आता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज निकाल कर दी थी। तो लेबर कॉस्ट वरायंस को लेकर कोई दिक्कत, ओके दूसरी बात करेंगे, लेबर कॉस्ट वरायंस के बाद दूसरा लेबर रेट वरायंस बोला था क्या, अब ये रेट वरायंस कौन से डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स। चलो तो ए के लिए अलग से निकल जाएगा, बी के लिए निकल जाएगा, सी के लिए निकल जाएगा, सबका एक्चुअल आवर्स पता है क्या, ये सबका स्टैंडर्ड रेट पता है क्या, ये
और सबका एक्चुअल रेट पता है क्या, ये सब चीज पता है क्या, लेबर आवर रेट आपका लेबर रेट बनाए आ जाएगा। बढ़ जाओ आगे। फिर तीसरी चीज क्या निकालना था अपने को, लेबर एफिशिएंसी वैरायंस निकालना था, मतलब कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है क्या, ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है, सी का भी गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स भी ए का भी गिवन है, बी का भी है, सी का भी है, और एक्चुअल आवर्स भी ए का भी है, बी का भी, सी का भी है, और नेट ऑफ कर देते हैं, राइट। अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा कि सर डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड 6,500 डायरेक्ट 6,500 कर देंगे, तो टोटालिटी में नहीं कर रहा, सिर्फ जीरो आ जाएगा आंसर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में करना। सर फिर इसको क्यों टोटालिटी में कर दिए, क्योंकि इसको मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी करता तो टोटल वैल्यू सेम ही आती 34,800, इसलिए हाँ मैंने डायरेक्ट टोटालिटी में लिख लिया था वैल्यू उसको। चलो तीन तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या निकालना है अपने को, चौथा लेबर मिक्स वैरियंस। चौथी चीज क्या निकालना है अपने को, लेबर मिक्स वैरियंस। तो लेबर मिक्स वैरियंस कैसे निकलेगा हमारा, अब यहाँ पर दोनों वैसे तो हमको रिवाइज निकालना पड़ता, नॉर्मल कंडीशन में कैसे निकालते, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसा ही करते क्या। लेकिन लेकिन ये जो रिवाइज निकालने का तरीका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टोटल सेम है। कैसे निकालते हैं रिवाइज, रिवाइज निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। जैसे मैं ए के लिए निकाल के दिखाता हूँ आपको, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ए इक्वल होता है तो क्यों हम इस वाले टेक्निक के साथ आगे नहीं बढ़ते। चलो अगर मैं रिवाइज निकालने जाऊँ तो कितना आ जाएगा मेरा, टोटल स्टैंडर्ड कितना 6,500, टोटल एक्चुअल भी कितना था 6,500, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे ए के लिए, ए के लिए थे 3,500, कितना 3,500, तो आंसर भी कितना था 3,500, क्योंकि ये तो कटपिट के वन ही बच रहा है ना। मैं बी में भी करूंगा तो कटपिट के वन ही बचेगा, सी में करूंगा तो भी कटपिट के वन ही बचेगा, और वन को अगर मैं इस स्टैंडर्ड के साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो सेम ही वैल्यू आएंगी। इसीलिए जब भी ये टोटल सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली ये टेक्निक का यूज ना करते हुए, अल्टीमेटली देखा जाए तो यही टेक्निक यूज हुआ, देखा जाए तो ये टेक्निक यूज भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला न लिखते हुए हम फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, लेबर मिक्स वैरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट एट, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल मिक्स। लिखते समय ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं क्या, और एक निकलेगा कैसे, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब ये एक प्रकार से क्या बन गया आपका, लेबर कॉस्ट वैरियंस का ही फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर बस स्टैंडर्ड आवर इनटू क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट हो जाएगा। बस यहाँ पर जब हम लोग लेबर कॉस्ट वैरियंस निकालते तो यहाँ एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट करते हैं, तो हमको एक्चुअल नहीं लेना है, क्या करना है स्टैंडर्ड आवर्स। चलो ए बी सी तीनों का निकालेंगे लाइन से, ए के लिए कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स कितना था 3,500, स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट 6 रुपये माइनस स्टैंडर्ड आवर्स कितना था 3,500 इंटू एक्चुअल रेट कितना था 6 रुपये बराबर। तो यहाँ भी 21,000, यहाँ भी 21,000, तो कितना आ गया 0। अब सेकेंड बी के लिए निकालते हैं, तो बी के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 2,400, और स्टैंडर्ड रेट कितना था 5 रुपये, कितना था स्टैंडर्ड आवर्स 2,400 और स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर 2,400 और एक्चुअल रेट भी 5 रुपये ही है क्या, एक्चुअल भी 5 रुपये ही है क्या पक्का, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल 21, स्टैंडर्ड आवर्स 24 और एक्चुअल रेट 5, नहीं वो क्वांटिटी है, ओके तो कितना आ जाएगा, नहीं तो अपन स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं ना, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स नहीं ले रहे, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे, क्या आ गया 0, राइट। और उसके अलावा लास्ट सी के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 600 और स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 रुपए, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके 600 इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स तो 600 है लेकिन एक्चुअल रेट कितना है
सॉरी 1800 माइनस 1800 माइनस 2400 कितना आएगा 600। ठीक है, अनफेवरेबल 600 क्या आएगा आपका अनफेवरेबल, राइट। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था, करेक्ट। अच्छा, और अगर आप लोगों को इस फॉर्मूले के साथ नहीं बढ़ना है तो आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते थे, ये रिवाइज्ड जो निकाले ना सीधा इस फॉर्मूले में, आंसर सेम ही आ रहा था आपका। रिवाइज में सारी क्वांटिटी सेम ही होती क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई डिफरेंस होता क्या, नहीं। 3500, 2400, 600 और माइनस कर देते इसमें से एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। अगर आप बुक के सॉल्यूशंस को अगर नोटिस करोगे तो बुक वाले ने यही सेम टेक्निक को यूज किया है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ये डाटा सेम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल मिक्स, हम लोगों ने ये फॉर्मूले से जाना चाहिए। बुक वाले ने यही फॉर्मूले को कंटिन्यू किया। अगर आप ये बुक से सॉल्यूशन देखते हो तो उसके सॉल्यूशन में क्या आया है, ये सेम फॉर्मूला। रिवाइज क्वांटिटी की जगह उसने 3500 ले लिया, एक्चुअल क्वांटिटी भी 3500 था और स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था आपके पास 6 रुपीज का। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 6 रुपीज का, सॉरी 6 ही था ना, यस। सेम सेकेंड वाले में क्या किया उसने, 2400 स्टैंडर्ड है माइनस एक्चुअल आवर 2100 है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था आपके पास, 5 रुपए का। यहाँ तो आंसर 0 आ जाता बट यहाँ पर कितना आंसर आता आपका, 1500 रुपए फेवरेबल आ जाता। 1500 कैसे आ जाता, फेवरेबल। और सी वाले केस में कितना आ जाता, 600 स्टैंडर्ड है, 900 एक्चुअल है और 3 रुपए का क्या है आपका स्टैंडर्ड रेट, यानी माइनस 300 इंटू 3 करते तो 900 का अनफेवरेबल बैलेंस आ जाता। तीनों को नेट ऑफ करते तो 600 रुपए का कैसा बैलेंस आता, फेवरेबल, अगर आप ये वाले फॉर्मूले के साथ जाते हो। लेकिन आप हमेशा याद रखना, जब भी ये टोटल सेम हो तो आप लोगों ने क्या करना, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल मिक्स, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना। हमेशा इसको प्रायोरिटी देना अगर आपका क्या है, ये दोनों भी सेम है तो, करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने दोनों तरीके से क्या बताया, लेबर आपका मिक्स वैरायंस, लेबर मिक्स वैरायंस, करेक्ट। और अगर एग्जाम में आपको ये क्लिक नहीं हो रहा है तो भले ही आप रिवाइज के साथ भी बढ़ सकते हो आगे, अगर क्लिक नहीं छो रहा है ये वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप किसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये कौन से क्वेश्चन के बारे में था, क्वेश्चन नंबर 14, राइट 14। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 15, राइट, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन सेम डाटा दे रहा है क्या, ये आवर्स बता दिया, कौन सा आवर्स है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, स्टैंडर्ड रेट है, मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया और बोलता है एक्चुअल आउटपुट कितना आया है, 1000 यूनिट्स। और ये डाटा एक्चुअल के लिए दिया है क्या, मतलब एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल रेट है, एक्चुअल कॉस्ट है। अच्छा मुझे बताओ, ये 6 रुपीज क्या 1000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आवर होगा क्या, नो। ये कितने यूनिट्स के लिए होना चाहिए, 1। तो फिर 1000 के लिए कितना, 6000। 1000 के लिए कितना, 5000। 1000 के लिए कितना, 8000। और रेट भी यहाँ बदल जाएगा क्या, फिर ये 18000 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, 12000 हो जाएगा टोटल। अब डाटा पूरा आपके सामने है क्या, तो क्या निकाल सकते हो अब, लेबर कॉस्ट वैरियंस निकल जाएगा, लेबर रेट वैरियंस भी निकल जाएगा, लेबर मिक्स वैरियंस भी निकल जाएगा और लेबर एफिशिएंसी वैरियंस भी निकल जाएगा। चारों चीज निकाल सकते हैं क्या, बोलो, इस डाटा से चारों चीज निकाल सकते हैं। चलिए, सो ये भी आप लोगों ने क्या करना है, एज अ होमवर्क करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ये ओवरहेड कॉस्ट वैरियंस, अच्छा ओवरहेड तो अभी सिखाने का होगा, ठीक है, अभी ओवरहेड सिखाने के। तो यहाँ पर आप लोगों के काय के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, लेबर, अच्छा इल्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना यहाँ पर, ठीक है। तो एक आधा इल्ड का क्वेश्चन देखते हैं, जो मेरे क्वेश्चंस वाली शीट है उसमें है या नहीं। यहाँ से सारे आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ओवरहेड वाले क्वेश्चंस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक हम लोग ओवरहेड वैरायंसेस के क्वेश्चंस करेंगे। एक आधा इल्ड वैरायंसेस देखता हूँ अपने पर्टिकुलर नोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को लेबर कॉस्ट वैरायंसेस निकालना है, एक क्वेश्चन है। उसके अलावा आप लोगों को रेट वैरायंस निकालना है, एफिशिएंसी वैरायंस निकालना है, ठीक है। आइडियल टाइम वैरायंस,
चलो ये क्वेश्चन है जिसमें आइडियल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है, तो ये क्वेश्चन गो थ्रू कर ले। अच्छा आइडियल टाइम वेरिएंस के अलावा बस आइडियल टाइम तक है, तो चलो आइडियल टाइम के एक भी क्वेश्चन नहीं देखे कैसे सॉल्व होते हैं, एक क्वेश्चन देख लो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, ये इलस्ट्रेशन है हमारे नोट्स का, तो एक बार आप इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर ठीक है 1 दे देना अपने साइड से। इन द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट कितने एम्प्लॉई है, 200 आर एंगेज एट द रेट ऑफ 50 पर आवर, और ये रेट बता रहा है क्या, अब ये स्टैंडर्ड है ये एक्चुअल है देखेंगे आगे। अब 5 days वीक ऑफ, और हफ्ते में कितने दिन काम होता है, 5, और कितने घंटे काम होते हैं, राइट यानी कि अगर मैं बात करूं एक हफ्ते में 40 घंटे काम हो रहे हैं, और ये हफ्ते कितने दिन का होता है, 5। अगर मुझे पर डे का अगर निकालना हो ना, फॉर एग्जांपल अब देखते हैं आगे जरूरत है या नहीं है, लेकिन अगर मुझे पर डे का निकालना हो तो 40 घंटे ये 5 दिन का है, तो डिवाइडेड बाय 5 डे करेंगे तो एक दिन में 8 आवर्स काम होते होंगे क्या। फिर आगे लिखा एट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज सेट एट 250 यूनिट्स पर आवर, और इनका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है एक घंटे में पर आवर में कितने यूनिट्स बनाते हैं, 250 यूनिट्स बनाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन द जनवरी 6 एम्प्लॉयज वॉज वेयर पेड 45 एन आवर एंड 4 आर 0.56। अच्छा ये 0.45 है, पॉइंट ही है, और यहाँ पर 0.56 एन आवर्स है। द रिमेनिंग वे आर पेड एट द स्टैंडर्ड रेट, और बाकी को रिमेनिंग के हिसाब से पे करते हैं, मतलब हमारे 3 कैटेगरी हो गई, ए कैटेगरी के वर्कर, बी के वर्कर, 3 के वर्कर। ए कैटेगरी वालों को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से देते हैं, मतलब 50 पैसा पर आवर। दूसरे जो बी कैटेगरी है जहाँ पर कितने एम्प्लॉई है, 6, इनको हम लोग 0.45 के हिसाब से देते हैं, और सी हमारे पास है जो वर्कर है 4, इनको हम लोग 0.56 के हिसाब से देते हैं। टोटल वर्कर कितने थे, 200, तो 6 और 4 10 तो ये हो गए, तो बचे 190 वर्कर, उनको इसके हिसाब से देते हैं। तो ये क्या निकल गया आपके नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या निकल गया स्टैंडर्ड रेट पर लेबर या पर वर्कर। यहाँ तक भी बात क्लियर है, ओके। और क्वेश्चन में आगे बोलता है द फैक्ट्री स्टॉप्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर ड्यू टू पावर फेलियर, और एक घंटे इनका काम क्या होता है, रुक जाता है, एक घंटे के लिए इनका काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब टोटल कितने यूनिट्स बनाना है अपने को, 250 यूनिट्स पर आवर में बनते हैं क्या, कितने आवर्स में बनते हैं, पर आवर्स, और टोटल यहाँ पर इंफॉर्मेशन 40 आवर्स के लिए दे रही है क्या। अच्छा मुझे बताओ अगर एक आवर्स में आप 250 यूनिट बनाते हो, एक आवर्स में कितने यूनिट्स बनाते हो, 250 यूनिट्स बनाते हो, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो 40 आवर में कितने बनने चाहिए थे, 10,000 यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, 10,000 यूनिट बनने चाहिए, ये बात क्लियर थी, राइट ओके। अब 1 by 1 अगर हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले तो मुझे सारे स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड लेबर ये करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर और माइनस एक्चुअल आवर्स जितने घंटे काम हुए इनटू एक्चुअल रेट, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलिए तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अंदर कि मेरा स्टैंडर्ड कितना आना चाहिए था, तो क्वेश्चन में उसने बताया था कि हमारे पास कुल मिलाकर 200 एम्प्लॉई है, कितने एम्प्लॉई टोटल, 200, और एक हफ्ते में 40 घंटे काम होते हैं क्या, मतलब स्टैंडर्ड जो काम है वो 40 आवर्स हो रहा है क्या, कितना हो रहा है, 40, और ये 50 पैसे है या 50 रुपए, मैंने यहाँ 50 पैसे लिया क्योंकि आप मुझे डेसिमल दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर 50 पैसे है, क्या है, हम लोग 50 पैसे ले रहे हैं, शायद जब आप बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने इसको 50 रुपए लिया है, इसको 45 रुपए लिया है, और इसको 56 रुपीस लिया, हमने पैसे में लिया, तो मैं पैसे में कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में 0.50, 0.45 और 0.56 मतलब ऐसा नजर आया, तो इसका मतलब पैसा होता है, राइट। तो मैं कैलकुलेशन पैसों में कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा,
200 वर्कर है, 40 घंटे काम करते हैं, मतलब 200 इंटू 40 अगर करूंगा तो कितना होता है, 8000 घंटे होते हैं क्या टोटल, और एक घंटे का 50 पैसा पे करते हैं, स्टैंडर्ड रेट 50 पैसे था क्या, तो कितना रुपया आ जाना चाहिए, 4000 रुपये, कितना आ जाना चाहिए था, 4000। तो ये क्या निकल गया है स्टैंडर्ड, ये क्या निकल गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल हम ऐसा नहीं करते, एक्चुअल सबको अलग अलग देते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी हमारे पास ए बी सी, हम एक कैटेगरी देखो इनको कितना देते हैं, 6 वर्कर है 45 पैसे पर आवर के हिसाब से देते हैं क्या, राइट, कितने वर्कर है हमारे पास 6 और 45 पैसे के हिसाब से देते, और कितने घंटे काम होते हैं 40, यहां पर भी इंटू 40 घंटे, यहां पर भी इंटू 40 घंटे, तो ये 6 वर्कर इंटू 45 पैसे के हिसाब से दे रहे इंटू 40 घंटे काम के कितना रुपया आ जाएगा, 108 रुपए देते हैं इनको। अच्छा 4 वर्कर है 56 पैसे के हिसाब से दे रहे इंटू 40 घंटे के कितना आ जाएगा, कितना 90 रुपए। और यहां पर 190 वर्कर है 50 पैसे के हिसाब से 40 घंटों के लिए पेमेंट करना है 3800, सबको जोड़ दो 3998। तो ये क्या गई आपकी एक्चुअल कॉस्ट। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पता थी 4000 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 3998। तो 2 रुपए आपका क्या आ गया, फेवरेबल बैलेंस, 2 रुपए कौन सा बैलेंस आ गया आपका, क्लियर। ये क्या निकल गया आपका लेबर कॉस्ट बैलेंस। अब दूसरी चीज निकाल देते हैं, दूसरी चीज क्या निकालना है अपने को, लेबर रेट वैलेंस निकालना है क्या, अगली चीज क्या निकालना है, लेबर रेट वैलेंस। अच्छा निकाल सकते क्या लेबर रेट वैलेंस, हमारे पास तीन कैटेगरी के वर्कर्स है ए बी सी, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड तो एक्चुअल कितना काम हुआ था, 190 वर्कर इंटू 40 घंटे, 6 वर्कर इंटू 40 घंटे और 4 वर्कर इंटू 40 घंटे, तो टोटल कितना होता है, कितना होता है 7, और इसका 160, टोटल मारेंगे 8000, मतलब टोटल मिलाकर एक्चुअल देखा जाए तो 8000 घंटे काम होते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड की भी बात करें, किसकी स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड भी हमारे पास 200 वर्कर थे और सीधा 40 घंटे काम होते हैं, करेक्ट, तो इसका भी डायरेक्टली 8000 ही आता क्या, बस एक्चुअल में उन्होंने रेट अलग अलग डाला था, राइट, रेट क्या किया था अलग अलग डाला। तो मुझे बताओ लेबर रेट वैरायंस फॉर्मूला क्या है, लेबर रेट वैरायंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो आपने को पता है एक्चुअल आवर्स तीन कैटेगरी के लेबर है ए बी सी, स्टैंडर्ड रेट सबके लिए 50 पैसे था क्या, लेकिन कैटेगरी ए वाले को हम 50 पैसे से पेड करते हैं, 50 पैसे तो स्टैंडर्ड सबके लिए है, लेकिन इनको हम 0.45 पैसे के हिसाब से पेमेंट करते हैं और इनको 0.56 के हिसाब से, करेक्ट। और कितने आवर्स काम हुआ, तो इनका 7600 आवर्स काम हुआ, इनका 240 आवर्स काम हुआ और इनका 160 आवर्स काम हुआ, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर यहीं पे बता दो क्योंकि इधर जगह नहीं है, कितना आएगा इसमें तो 0 आएगा, 0.50 पैसे माइनस 0.50 पैसे 0, और 0 इंटू 7600 करेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा इसमें 50 पैसे माइनस 45 पैसे मतलब कितना आ जाएगा 5 पैसा, और 5 पैसा इंटू 240 आवर्स तो 12, फेवरेबल आ गया क्या। और उसके अलावा 50 पैसे माइनस ये अनफेवरेबल आ रहा है क्या, और इंटू 160 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 अनफेवरेबल, ठीक है। तो कितना आता है ये माइनस करें, दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो नेट ऑफ करने पर कितना आता है 2.4
4 फेवरेबल, तो ये क्या निकल गया तुम्हारा लेबर रेट वैरियंस, राइट 2.4 फेवरेबल आ गया आपका। अब तीसरा एफिशिएंसी वैरियंस निकालना था, क्या क्या निकालना था एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वैरियंस, फॉर्मूला क्या है इसके लिए, एक्चुअल आवर्स माइनस सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट अपने को पता है ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग निकाल देंगे, राइट तीनों के लिए क्या कर देंगे अलग अलग निकाल देंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कितना था हमारे पास, स्टैंडर्ड अगर ए कैटेगरी की बात करूं तो 50 पैसे, स्टैंडर्ड रेट तो तीनों के लिए 50 पैसे था क्या, बराबर। अच्छा स्टैंडर्ड कितना था, टोटल कितना था स्टैंडर्ड हमारा, टोटल अगर हम देखेंगे तो 200 वर्कर थे। सो स्टैंडर्ड रेट तो सभी का कॉमन था, कितना 50 पैसे। लेकिन अगर मैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूं तो जो ए कैटेगरी वाले थे वो एक्चुअल 190 वर्कर्स थे, और 190 इंटू 40 के हिसाब से वर्कर थे 40 घंटे के हिसाब से, राइट। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सेम 190 क्या थे आपके वर्कर्स थे, कितने एक्चुअल घंटे काम के अपन वो देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में बताया एक्चुअल कितने घंटे काम किए। अच्छा देखो यहाँ पर द फैक्ट्री स्टॉप्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर की वजह से 1 घंटा रुक जाता है क्या। अच्छा 1 घंटा रुक जाता है तो पूरे 200 घंटे भी खाली, 200 वर्कर भी खाली बैठे रहते होंगे क्या। एक्चुअल जब 1 घंटा पावर फेलियर की वजह से जब काम नहीं चलता होगा तो पूरे 200 के 200 वर्कर क्या होते होंगे खाली बैठ जाते होंगे 1 घंटे। यानी कि हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना था 8000 घंटे का था, बराबर। ये 8000 घंटे कैसे आए थे, सीधा सीधा 200 वर्कर थे और 40 पर वीक में 40 घंटे काम हो रहे थे, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके 8000। लेकिन द फैक्ट्री स्टॉप्ड द प्रोडक्शन फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे भी अगर काम बंद रहता है तो 200 वर्कर है, मतलब खाली बैठ गए 200 वर्कर, मतलब कितने घंटे काम नहीं हुआ, 200 घंटे काम नहीं हुआ क्या, मतलब एक्चुअली काम कितने घंटे हुआ होगा कुल मिलाकर 7800। तो अगर आप लोगों को इंडिविजुअल लेना है तो आपको हर किसी के 1 घंटे कम करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 190 थे तो अगर 40 घंटे में से 1 घंटे खाली बैठा तो एक्चुअल काम कितने घंटे हुए हैं 39 सॉरी मैंने उल्टा ले लिया क्या, यस स्टैंडर्ड पहले लेना था। सो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकल जाएगा, 190 वर्कर थे और स्टैंडर्ड आवर 40 घंटे थे, माइनस एक्चुअल कितने घंटे काम हुए, 190 वर्कर थे एक्चुअल कितने घंटे काम हुए 39 घंटे, तो 1 घंटा तो खाली बैठ गया ना लेबर। वैसे यहाँ पर कितने वर्कर थे 6 और स्टैंडर्ड 40 घंटे के हिसाब से काम हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो ये 6 वर्कर में से 1 घंटे तो खाली बैठ गए, मतलब 39 घंटे काम हुआ। फिर उसके अलावा 6 यहाँ कितने वर्कर थे 4, 40 घंटे काम हुए स्टैंडर्ड लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 39 घंटे ही काम हुआ, डन। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए इसका 0.50 पैसे इंटू 190 घंटे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0.50 पैसे इंटू 6 घंटे और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0.50 पैसे इंटू 4 घंटे, राइट। चलो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूँ कितना आता है। 95 फेवरेबल है, फेवरेबल है ये, वैसे यहाँ पर 3 रुपये फेवरेबल है और यहाँ पर भी 2 रुपये फेवरेबल है, तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो 100 रुपये फेवरेबल आ जाएगा। ये क्या निकला आपका लेबर एफिशिएंसी वैरियंस, मैंने आपको एक एक लेबर का करके बताया। अगर आप ये डायरेक्ट आंसर की देखते हो तो इसने सीधा एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब स्टैंडर्ड आवर 8000 डायरेक्ट एक्चुअल 7800 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे, उसने एक झटके में सीधा 100 रुपये निकाल दिया और हमने इंडिविजुअल का निकाले, एक एक का निकाले और उसने सीधा सबका सीधा मिलाकर, क्योंकि सबका मालूम है ना एक साथ 200 आवर्स कम हुए, तो सीधा उसने एक्चुअल कितना ले लिया 7800। क्लियर है ये चीज भी पक्का, ओके चलो। अब अपने को तीसरी और चौथी और आखिरी चीज क्या निकालनी थी, आइडियल, ठीक है आइडियल टाइम रेशियो, आइडियल
टाइम वैरियंस, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर आइडियल टाइम दिया हुआ था या आइडियल कितने टाइम काम होता है, तो आइडियली बात करूं तो हमारे 200 वर्कर है क्या, कितने वर्कर है 200, और हर वर्कर आइडियली एक घंटे काम करता ही करता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, अच्छा एक घंटे काम नहीं होते, मैं आइडियल टाइम कैसे निकालूंगा कि टोटल 40 घंटे हफ्ते में काम होते हैं, कितने घंटे 40, लेकिन उसमें से एक घंटा पावर की वजह से काम नहीं होता, मतलब एक्चुअल आवर्स कितने काम होते हैं, एक्चुअल जो काम होते हैं वो कितने आवर्स काम होते हैं 39, क्योंकि मैं पेमेंट उनको कितने आवर्स का देता हूँ, जितने घंटे काम हो रहे उतने आवर्स का एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि मेरा ये जो टाइम वेरिएंस है, हम लोग आइडियल टाइम रेशो किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट जो कि अपने को पता है हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 पैसा, इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स जिसके लिए हमने अमाउंट पेड किया है, एक्चुअल आवर्स जिसके लिए हमने अमाउंट पेड किया है माइनस एक्चुअल आवर्स जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने पेमेंट तो जितने घंटे अगर एक्चुअली देखा जाए तो 39 घंटे के लिए करना चाहिए था क्या, कितने घंटे के लिए करना चाहिए था 39, क्यों, क्योंकि एक घंटे तो खाली बैठे रहते ना, खाली घंटे का पेमेंट करना चाहिए क्या, नो। लेकिन हम लोग पेमेंट उसको मतलब 39 घंटे का एक्चुअली पेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आवर्स तो 40 घंटे बैठा है ना वर्कर, और ये एक नहीं ऐसे कितने वर्कर है, ऐसे एक नहीं ऐसे कितने वर्कर है, टोटल 200 लोग है क्या, तो मल्टीप्लाइड बाय फिर बाद में क्या कर देंगे 200, ये तो 39 घंटे 40 घंटे तो एक वर्कर के लिए बात हो रही है, ऐसे कितने वर्कर है 200, तो माइनस 1 रुपीस का डेविएशन आ रहा है क्या काम में, और ऐसे 200 वर्कर है और 50 पैसे के हिसाब से करेंगे तो 100 रुपए अनफेवरेबल बैलेंस आना चाहिए। वही इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, आइडियल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, उन्होंने डायरेक्ट आइडियल आवर कैसे ले लिया, एक आवर डायरेक्ट ले लिया, कैसे निकाला एक आवर्स, ये एक्चुअल आवर जो डिफरेंस आया था आपका पेट का उससे और 200 वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिया, समझे अभी। तो आप लोगों को याद रखना आइडियल टाइम वेरिएंस कैसे निकालोंगे, जो भी ब्रेकडाउन्स की वजह से काम नहीं हो पा रहा है इसका मतलब उतना वर्ष का पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उतने को क्या कर देंगे माइनस, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये आपका आइडियल टाइम आइडियल से रिलेटेड, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ये तो सेल्स वेरिएंस अभी आप लोगों को नहीं है फिलहाल में, ओवरहेड वेरिएंस पहले हमने कवर करना है। सो एक आप लोगों का यहाँ पर पूरी तरीके से क्या खत्म होता है, लेबर वेरिएंस से रिलेटेड, राइट। अच्छा स्टिल अभी भी आपके पास इल्ड वेरिएंस से रिलेटेड क्या नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं है, बट इल्ड वेरिएंस अगर आता सपोज एक आधा क्वेश्चन में आया नहीं है तो मैं जस्ट एक अपने साइड से कि अगर इल्ड वेरिएंस लेबर इल्ड वेरिएंस अगर आए तो आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को हिंट और फिर बता देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या नहीं आया हमारे पास, लेबर इल्ड वेरिएंस नहीं है। अगर आता तो क्या करते, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ता पहले अपने को, क्या निकालना पड़ता स्टैंडर्ड। देखो पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमने मटेरियल इल्ड वेरिएंस पढ़ा था, सेम है डुप्लीकेट है लेबर इल्ड वेरिएंस, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। हम लोगों ने मटेरियल इल्ड वेरिएंस में कैसे पढ़ा था, हमने क्या किया था मटेरियल इल्ड वेरिएंस पढ़ते समय, स्टैंडर्ड रेट इनटू यहां पर हम लोग एक्चुअल इल्ड माइनस स्टैंडर्ड, लेकिन ये जो एक्चुअल इल्ड आता था हमारा वो हम लोग क्या करते थे मतलब कैलकुलेट करते थे कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना एक्चुअल इल्ड होना चाहिए, सेम। और ये स्टैंडर्ड रेट भी हम लोग निकालते थे और ये भी प्रोपोर्शनेट निकालते थे, दो चीज निकालते थे, वैसी एक्चुअल इल्ड में भी हमको दो चीजें करना है, ठीक है। कौन सी दो चीज करना है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे ध्यान देना, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले क्या देखेंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है डिवाइडेड बाय नेट नेट स्टैंडर्ड आवर्स वर्क्ड, और नेट जितने स्टैंडर्ड आवर्स वर्क्ड हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर का पता चल जाएगा, राइट। और उसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या करना था, यहां पर आपको जैसा हम लोग इल्ड निकालते हैं, अब यहां इल्ड की जगह आपको क्या निकालना था आवर्स, कि हमारे स्टैंडर्ड हमको क्या निकालना है यहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट कितने यूनिट्स बनते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, कि एक्चुअल आवर्स में काम करके हमने स्टैंडर्ड कितने आउटपुट बना लेना था, इसमें से माइनस करते क्या माइनस करते एक्चुअल कितने आउटपुट बन गए, तो
एक्चुअल आउटपुट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये कहां दिया होगा? क्वेश्चन में, एक्चुअल आउटपुट, राइट। बस ये स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा, एक मिनट ये बताता हूं। सो स्टैंडर्ड आउटपुट है फॉर एक्चुअल, ये कैसे निकलेगा आप लोगों को, ये प्रोपोर्शनेटली निकालना है। जैसे कि आप लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए होंगे, राइट, क्या दिए होंगे? स्टैंडर्ड यूनिट्स, इससे स्टैंडर्ड यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी ये यील्ड निकलेगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको दिए होंगे और स्टैंडर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स, इनटू एक्चुअल आवर्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आता है अगर एक्चुअल आवर्स के बेसिस पर निकाले। तो ये कैसे निकलेगा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स पता चल जाएगा, राइट। तो अगर कभी क्वेश्चन यूनिट्स में अगर डाटा दिया तो ही यील्ड आप लोगों को निकालना पड़ सकता है, अदरवाइज यील्ड की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा टॉपिक फिनिश होता है? आप लोगों का लेबर वैरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ओवरहेड वैरियंसेस की बात करेंगे, राइट। कौन से? ओवरहेड वैरियंसेस की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।